नमस्ते एवरीवन। भोजन शरीर को चलाने के लिए अति आवश्यक है। पशु पक्षी ही नहीं, मनुष्य भी भोजन जुटाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। मेहनत कहें या संघर्ष कहें, जीवन यापन एक संघर्ष है। यदि हम पशु पक्षियों को खाना या दाना दे दें तो उनका भी जीवन सरल हो जाएगा, उन्हें भी ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। मुझे लगता है या मेरा मानना है कि यदि हम उन्हें शाकाहारी भोजन दे दें तो उन्हें भी शाकाहारी भोजन की आदत हो जाएगी। ऐसा मानना है कि पशु पक्षी खेतों बगीचों को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन सोचिए उनके भोजन का मुख्य स्रोत पेड़ पौधे ही हैं। जल स्रोत, नदी नाले तालाब झरने ही उनके लिए पानी पीने का माध्यम है। सोचिए शहरों में कितना मुश्किल है, पशु पक्षी कैसे खाते पीते हैं। एक दिन बारिश हुई थी, मैंने देखा जमीन और छोटे गड्ढों ढलानों पर जो पानी इकट्ठा था, मोर कौवा चिड़िया पी रहे थे। खेतों की फसल तैयार होती है उसके बाद हार्वेस्टिंग प्रोसेसिंग के दौरान कितना कुछ बाई प्रोडक्ट मिलता है बिफोर मार्केटिंग। क्यों ना हम फाइन प्रोडक्ट के अलावा जो कुछ है पशु पक्षियों को दे दें। मार्केट में भी खाने को रख सकते हैं, लोग खरीद सकते हैं। किचन में खाना बनता है, कुछ ना कुछ बच जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम भी पड़ जाता है। क्यों ना हम बचा हुआ खाना पशु पक्षियों को खाने को दे दें। ऐसा कहा जाता है कि पहली रोटी गाय को देनी चाहिए, दो रोटी एक्स्ट्रा बना लें पशु पक्षियों को दे दें। हमारा और पशु पक्षियों सभी का जीवन प्रकृति संसाधनों से ही चल रहा है, क्यों ना सामंजस्य रखते हुए एक दूसरे को नुकसान ना पहुँचाएँ और इस धरा पर सुख शांति और प्रसन्नचित अवस्था में रहें। धन्यवाद। Thank you.